जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद के 3रे अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है महर्षि च्यवन और सुकन्या का चरित्र तथा राजा शरयाति का वंश। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। पिछले अध्याय की कथा में आपने वस्तुत मनु के वंश के विस्तार की कथा सुनी थी। अब उसी कथा का अगला भाग। श्री सुखदेव जी महाराज आज राजा परीक्षित से कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, उसी वस्तुत मनु का एक पुत्र शरयाति नामक राजा था। उसके यहाँ एक सुकन्या नामक बहुत रूपवती कन्या का जन्म हुआ। राजा उस कन्या को बहुत प्यार करता था और दिन रात उसे अपने साथ ही रखता था। एक दिन वह राजा अपनी स्त्री और उस कन्या के सहित वन में शिकार खेलने को गया है। वहां वह कन्या अपनी सखियों के साथ जहां तहां घूम रही थी कि उसने अपने डेरे के पास ही मिट्टी के एक ढेर में दो छिद्र चमकते हुए देखे हैं। तब सुकन्या ने अपने चंचल स्वभाव के कारण उन दोनों छिद्रों में कांटा चुभ हो दिया। वह दोनों छिद्र च्यवन ऋषि के नेत्र थे, अतः कांटा चुभाने पर उनसे रक्त निकलने लगा है। यह देखकर सुकन्या भयभीत होकर अपनी सखियों के साथ डेरे में चली आई। तदुपरांत राजा की सेना के सभी सिपाहियों तथा हाथी घोड़ा ऊंट आदि पशुओं का मल मूत्र बंद हो गया और उनके उदर में बड़ा भारी दर्द होना शुरू हो गया। हे राजा परीक्षित, यह देखकर राजा शरयाति उद्विग्न होकर उस वन के निवासियों से पूछने लगा है कि हे भाइयों, यह कैसा वन है जो हमारे सैनिक लोग यहाँ पर दुखी हो रहे हैं। यह सुनकर वहाँ के निवासियों ने उत्तर में कहा है, हे राजन, यह च्यवन ऋषि का आश्रम है। तब राजा उन महर्षि के आश्रम पर गया है जहाँ उनके नेत्रों से रक्त बह रहा था। रक्त को देखकर राजा ने अपने हृदय में समझ लिया कि इस मिट्टी के ढेर के अंदर ही च्यवन ऋषि बैठे होंगे। वे भगवत स्मरण में लीन होंगे कि उन्हें अपने देह की भी कुछ शुद्ध बुद्ध नहीं है। तब राजा ने अपने साथियों से ऋषि के नेत्रों में कांटा चुभाने के संबंध में पूछताछ की है। उस समय राजा की पुत्री सुकन्या ने बताया कि हे पिताश्री, यह गलती मुझसे ही अनजाने में हो गई है। सुकन्या के वचन सुनकर पहले तो राजा बड़ा चिंतित हुआ, लेकिन बाद में धीरज धरकर उस आश्रम पर जाकर ऋषि की स्तुति करने लगा। तत्पश्चात जब राजा ने अपने हाथों से उस मिट्टी को हटाया तब उस ऋषि की समाधि खुल गई। उस समय राजा ने हाथ जोड़कर दंडवत प्रणाम करते हुए च्यवन ऋषि से कहा है, हे भगवान, मेरी पुत्री से आपका यह अपराध अनजाने में बन गया है, इसलिए मैं उसे आपकी सेवा के लिए आपको अर्पण करता हूँ। अब आप कृपा करके ऐसा आशीर्वाद दीजिए जिससे मेरे साथ आए प्राणियों की पीड़ा नष्ट हो जाए। इससे आगे की कथा का वर्णन करते हुए श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, राजा शरयाति की विनती से प्रसन्न होकर ऋषि ने ऐसा आशीर्वाद दिया कि तुरंत ही सबके उदर का दर्द बंद हो गया। तदुपरांत राजा ने अपनी पुत्री सुकन्या का विवाह च्यवन ऋषि के साथ कर दिया और उसे वहीं पर छोड़कर स्वयं अपनी स्त्री और सेना को साथ लेकर अपने नगर को चला आया है। जब राजा चला गया तो उस समय राजा के चले जाने के बाद च्यवन ऋषि फिर से 14 वर्ष के लिए समाधि में लीन हुए हैं। ठाकुर जी की भक्ति में उनका मन लगा है। जो सदा भगवान की भक्ति करते हैं उन्हें भगवान की भक्ति में वो आनंद आता है कि वो भगवान की भक्ति करना छोड़ ही नहीं सकते। इसलिए फिर से च्यवन ऋषि समाधि में लीन हुए हैं। उस समय वे अपने नेत्र बंद किए मौन होकर बैठे रहे हैं। उन 14 वर्षों तक वह राजकन्या भी निर्जल व्रत करके उनकी सेवा करती रही।
हे राजा परीक्षित, वह राजपुत्री इतनी सुंदर थी कि जिस समय च्यवन ऋषि समाधि लगाए हुए बैठे थे और वह उनके समीप हाथ जोड़े हुए बैठी थी, उस समय देवराज इंद्र ने उनके समीप आकर उससे कहा है, हे राजपुत्री, तू यहाँ रहकर इतना दुख क्यों सहन करती है? तू इस लायक नहीं है, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे सब सुख सब वैभव दूंगा, मैं तुझे अपनी रानी बना लूंगा। तरह तरह के लालच देवराज इंद्र ने उस राजपुत्री को दिए हैं, लेकिन उस पति भक्त मुनि पत्नी ने देवराज इंद्र की ओर देखा तक नहीं है। धन्य है भारत की नारी जो कि अपने पति को परमेश्वर मानती हुई किसी और भोग विलास में नहीं फंसती है। देवराज इंद्र ने तरह तरह के प्रलोभन दिए हैं, लेकिन उस राजपुत्री ने अपने पति की सेवा को सर्वश्रेष्ठ समझा है। जब 14 वर्ष पश्चात ऋषि महाराज की समाधि खुली है, उस समय उन ऋषि ने देखा है कि वह राजपुत्री भक्ति पूर्वक हाथ जोड़े उनके समक्ष खड़ी है। उस समय ऋषि का शरीर केवल अस्थि मात्र ही रह गया था, उनका सारा शरीर सूख कर कांटा हो गया था। ऐसी तपस्या ऋषि महाराज ने की थी, परंतु फिर भी अपने प्रति उस राजपुत्री का ऐसा अपूर्व प्रेम देखकर च्यवन ऋषि के हृदय में उसके प्रति अत्यंत श्रद्धा और विश्वास उत्पन्न हो गया। उसी दिन भगवान की इच्छा से अश्विनी कुमार वैद्य वहां आए हैं तथा ऋषिवर को दंडवत करके विनय करते हुए कहने लगे हैं, जो आज्ञा हो सो हम आपकी सेवा करें। च्यवन ऋषिवर कहने लगे हैं, आप हमारी आंखें अच्छी करके मुझे तरुण कर दो तो मैं आपको मुंह मांगी वस्तु दे सकता हूँ। अश्विनी कुमार ने औषध का कुंड बनाकर ऋषिवर को उसमें स्नान कराया तो उसी समय उनकी आंखें अच्छी हो गई और वे अति सुंदर हुए हैं। उनकी 16 वर्ष की उम्र हो गई, तब राजकन्या उन्हें देखकर अति प्रसन्न हुई है। च्यवन ऋषिवर ने आनंद पूर्वक अश्विनी कुमार से कहा है कि जो मांगो सो मैं तुमको दे दूंगा। यह वचन सुनकर अश्विनी कुमार कहने लगे हैं, हे महाराज, हम देवताओं की औषधि करते हैं, इसलिए देवता लोग अपनी पंक्ति में हमें भोजन करने के लिए नहीं बैठाते और सोम यज्ञ में भी हमारा भाग हमें नहीं देते हैं। सो आप दयालु होकर ऐसा वर दीजिए जिससे कि हमें भी भाग मिले। च्यवन ऋषि महाराज आज कहने लगे हैं कि हे अश्विनी कुमार, तुम धैर्य रखो, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जब अश्विनी कुमार वरदान पाकर आनंद पूर्वक वहां से विदा हुए हैं, तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा है कि मैं तो तपस्वी हूँ, संसारी सुख की संसारी भोग विलास की इच्छा नहीं रखता, सदा विरक्त रहता हूँ, परंतु तेरे पातिव्रत धर्म से हम अति प्रसन्न हैं, इसलिए संसारी सुख के सब पदार्थ संयुक्त करके तेरे साथ भोग विलास करेंगे। ऐसा कहकर उन ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से उसी जगह स्वर्ण का एक रत्न जड़ित महल, साथ में बाग और तड़ाग आदि समेत सब कुछ ऐसा भोग विलास का साजो समान प्रकट किया है कि जिसमें हरी इच्छा से संसारी सुख की समस्त वस्तुएं रखी थी। तब ऋषिवर ने राजकन्या से कहा है कि तू इस तड़ाग में स्नान कर। जैसे ही उसने उस तालाब में गोता मारा, वैसे ही 16 वर्ष की देव कन्या के समान वो सुंदरी हो गई और 1000 दासी रूपवती भूषण और वस्त्र पहने हुए उसके साथ तालाब में से प्रकट हुई हैं। धन्य है भारत के ऋषि मुनि जो कि तपस्या में ऐसे निष्ठ हो जाते थे कि वो अपनी शक्ति से कुछ भी करने में संभव हो जाते थे। आज भी अगर कोई तपस्या करेगा तो भगवान उसे भी सिद्धि प्रदान करेंगे, लेकिन आज के समय में लोग ऐसे भोग विलास में फंसे हैं कि तपस्या करना तो दूर की बात है, भगवान का नाम लेने का उनके पास समय नहीं है। ये तो ठाकुर जी की कृपा है उन भक्तों पर जो कभी कभार भगवान की कथा सुनते हैं, और उन भक्तों पर तो बड़ी अनंत कृपा है जो सदा भगवान की कथा सुनते हैं, भगवान के चरणों में अपने मन को लगाकर रखते हैं।
तो फिर से कथा में प्रवेश करते हैं। उस समय उस राजकन्या को उत्तम वस्त्र भूषण पहनाकर सब सखियों ने उसके 16 श्रृंगार किए हैं। तब च्यवन ऋषिवर महाराज ने राजकन्या से अपना विवाह करके भोग विलास करना आरंभ किया है। और उसके कुछ दिन बाद एक रोज राजा शर्याती ने अपनी धर्मपत्नी से कहा है कि जिस दिन से हम अपनी प्राण प्यारी कन्या को वन में च्यवन ऋषि को सौंप कर आए हैं, तब से उसका कुछ समाचार नहीं मिला है और बिना प्रयोजन उसको अपने घर बुला नहीं सकते। सो मेरी इच्छा है कि अपने यहाँ यज्ञ करवा कर इसी बहाने से च्यवन ऋषिवर महाराज को अपनी कन्या समेत अपने घर बुलाएं, तो पुत्री का समाचार भी कुछ मालूम हो जाए। आज एक पिता के मन में अपनी पुत्री के लिए प्यार उमड़ पड़ा है। सच बात है कि पिता के हृदय में अपनी पुत्री के लिए जो प्रेम होता है, माता के हृदय में अपनी पुत्री के लिए जो प्रेम होता है, वैसा प्रेम किसी और का हो नहीं सकता। उस समय शर्याती महाराज की धर्म पत्नी ने भी ये बात पसंद की है। तब राजा यज्ञ की तैयारी करके च्यवन ऋषिवर को बुलाने गए हैं। उनके स्थान पर पहुंचकर क्या देखा कि वहाँ टीला और झोपड़ी कुछ नहीं है, कोई भी उनका आश्रम नहीं है। एक सुंदर महल बना है जिसमें कि सब सुख वैभव भोग विलास की वस्तुएं उनको नजर आ रही हैं। उसे देखकर राजा ने आश्चर्य मानकर मन में सोचा है कि इस वन में ऐसा सुंदर महल किसने बनाया है। ऐसा सुंदर महल तो इस पृथ्वी पर आज तक कहीं देखा नहीं गया। जिस समय राजा वहां खड़े होकर यही विचार कर रहे थे, उसी समय वह राजकन्या अपनी दासियों सहित तालाब में स्नान करने के लिए महल से बाहर निकली हैं और अपने पिता महाराज को देखकर बड़े हर्ष से उनके पास आई हैं। किंतु राजा उसका वैभव देखकर दंग रह गया और उससे कुछ नहीं बोला है। तब राजकन्या कहने लगी हैं, हे पिताश्री, मुझे नहीं पहचाना, आपने मुझे गले क्यों नहीं लगाया, मैं आपकी लाडली पुत्री हूँ, आप मुझे क्यों नहीं पहचान रहे हैं। राजा कहने लगे हैं कि तेरे माता पिता का उत्तम कुल है, किंतु तूने दूसरा पति करके कलंकित कर दिया है। यह वचन सुनकर वह राजपुत्री कहने लगी हैं कि हे पिताश्री, आप ऐसा संदेह नहीं करें, मैंने दूसरा पति वरन नहीं किया है। यह सब वैभव जो आप देख रहे हैं, वो सब कुछ ऋषिवर महाराज ने अपने योग बल से प्रकट किया है। अपनी पुत्री के इन वचनों को सुनकर राजा ने बड़े हर्ष के साथ पुत्री को प्यार किया है। उस समय राजा शर्याती ने अपने पुत्री के महल में प्रवेश किया है और वहां पर जाकर च्यवन ऋषिवर को अश्विनी कुमार के समान अति सुंदर और तरुण देखा है। तब आनंद पूर्वक दंडवत प्रणाम करके उनसे विनती की है कि हे महाराज, मैं सोम यज्ञ करना चाहता हूँ, सो आप भी अपनी कृपा करके उस यज्ञ में पधारिए। आज प्रसन्न होकर च्यवन ऋषिवर महाराज ने अपने ससुर का ये निमंत्रण स्वीकार किया है। च्यवन ऋषिवर अपनी स्त्री सहित राजा के साथ गए हैं, तो रानी अपनी पुत्री और दामाद को देखकर बड़ी हर्षित हुई हैं। उस समय च्यवन ऋषिवर महाराज ने राजा के यहाँ यज्ञ आरंभ किया है और सब देवता तथा ऋषिवर ने देवताओं से कहा है कि यज्ञ में अश्विनी कुमार को भी भाग दे दीजिए। यह वचन सुनकर देवराज इंद्र कहने लगे हैं कि अश्विनी कुमार वैद्य हैं और वे रोगियों को छूते हैं, इसलिए उनको यज्ञ का भाग नहीं देना चाहिए। च्यवन ऋषिवर महाराज कहने लगे हैं, हे देवराज इंद्र, मैं अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग देने का वचन दे चुका हूँ, इसलिए उन्हें भाग अवश्य दूंगा। तब देवराज इंद्र ने क्रुद्ध होकर कहा है, हे ऋषिवर, यदि तुम हमारा कहना ना मानकर अश्विनी कुमार को यज्ञ में भाग दोगे तो हम तुम्हें मार डालेंगे। क्रोध की अवस्था में आज देवराज इंद्र ने एक ऋषिवर का अपमान किया है। इतना कहकर जो ही देवराज इंद्र ने ऋषिवर को मारने के लिए अपनी गदा उठाई है, उसी समय
श्यमन ऋषिवर महाराज के तपोबल से देवराज इंद्र का हाथ जैसा का तैसा उठा रह गया। यह देखकर देवराज इंद्र लज्जित हुए हैं और आज बड़ा कष्ट पाने लगे हैं। उस समय सब देवताओं ने देवराज इंद्र को समझाते हुए कहा है, हे देवराज इंद्र, आपने श्यमन ऋषिवर महाराज के प्रति अनुचित वर्ताव किया है, उनको दुर्वचन कहे हैं, अब आप उन्हें से अपना अपराध क्षमा करवा लीजिए। यह सुनकर देवराज इंद्र ने श्यमन ऋषिवर महाराज से प्रार्थना करते हुए कहा है, हे प्रभु, आप तो महात्मा हैं, मैं अज्ञानी हूँ। मैंने अपने अज्ञान के कारण आपकी महिमा को ना जानकर जो अपराध किया है उसका फल मैंने पा लिया है। अब आप कृपा करके मेरा अपराध क्षमा कर दीजिए और दोनों अश्विनी कुमारों को भी यज्ञ में भाग दे दीजिए। हमें आपकी हर आज्ञा स्वीकार है। देवराज इंद्र के इन वचनों को सुनकर श्यमन ऋषिवर महाराज ने दयाद्र होकर अपने हाथ से देवराज इंद्र का हाथ ठीक कर दिया। श्यमन ऋषिवर तथा देवताओं ने अश्विनी कुमारों को मीठे सोम के रूप में यज्ञ का भाग दिया है। इस प्रकार राजा शर्याति का वह यज्ञ आनंद पूर्वक संपूर्ण हुआ है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज ने किया है। इस कथा में श्री सुखदेव जी महाराज ने स्पष्ट बताया है कि हमारे भारतवर्ष के ऋषि मुनि ऐसी शक्ति रखते हैं कि वो देवताओं को भी पराजित कर सकते हैं। देवराज इंद्र ने श्यमन ऋषिवर महाराज के प्रति अनुचित वचन कहे हैं, उनको मारना चाहा है, लेकिन तपस्या के धनी तपमूर्ति ठाकुर जी की अनंत भक्ति रखने वाले च्यवन ऋषि महाराज की शक्ति के सामने देवराज इंद्र को झुकना पड़ा है। उन्होंने बार बार च्यवन ऋषिवर महाराज से क्षमा मांगी है। इसलिए स्पष्ट कहा जाता है कि जो संतों में, जो ऋषि मुनियों में, जो महात्माओं में शक्ति होती है, वैसी शक्ति किसी और में नहीं हो सकती। लेकिन ऐसी शक्ति वाले सिद्ध महात्मा आजकल के इस युग में प्रतीत नहीं होते हैं। आजकल के इस युग में ऐसी दिव्य शक्ति वाले महात्मा, ऐसे ऋषि मुनि आपको कहीं भी नजर नहीं आएंगे। अगर ऐसे ऋषि मुनि अगर इस संसार में आज होंगे भी, तो भी वो संसार वासियों के बीच में नहीं आते। वो तो वन में रहकर ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए भगवान की भक्ति करते हैं। लेकिन पुराने समय में ऋषि मुनियों के पास ऐसी शक्तियां होती थी कि जिनके सामने देवता भी हार मान जाते थे, और यही आज की इस कथा में बताया गया है। तो हम सब का तो केवल एकमात्र इतना कर्तव्य है कि हम सदा भगवान की भक्ति करते रहें, क्योंकि जो भगवान की भक्ति करता है उसके ऊपर भगवान की कृपा हो जाती है, और जब भगवान की कृपा उस पर हो जाती है तो वो भक्त अपने जीवन में सब कुछ प्राप्त कर लेता है। जिसको भगवान का प्यार मिल जाए, जिसको भगवान की भक्ति मिल जाए, उसको संसार के सुख की, संसार के भोग विलास की आवश्यकता महसूस हो ही नहीं सकती, क्योंकि संसार के सुख का किसी न किसी क्षण अंत होता है। लेकिन भगवान की भक्ति से जो आनंद मिलता है उसका अंत नहीं हो सकता, वो आनंद तो प्रतिपल बढ़ता रहता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के 3रे अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि श्री शिव महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। एक दिन छोड़कर श्री शिव महापुराण की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाती है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की, जय भारत के ऋषि मुनियों की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।